दुखी महतो। कहाँ से एलबर? लोसांडा से। चेक करेंगे हम चीनी के परसेंट, तो सब चेक चाक करा के तो हमें पूर्जी गई एक नंबर में, तो एक सारा मांगता 700 कुछ रुपया। चीनी में एक सारा कथी कथी के बता दिलन, चीनी के दवाई चलते बार रिपोर्ट बहुत बार रिपोर्ट तो देख ला, लेकिन अपने फैसला कर दिलन जो है इतना एक सारा कागज के लिए। हमनी से बेसी गरीब जनता भाग गई, जो मकई बेच के आई बा भाड़ा या खाली खाजा के दूर से ओकरा पैसा यहाँ लागत तो 5,000, 3,000, 3,500 तो फिर के चल गई। जरा पैसा बहु करे लग, जरा पैसा नहीं खो फिर के गई। गरीब जनता के तो कुछ भैल ना, ना उकर चेक भैल ना उकर कुछ भैल बा, दू गो दवाई फ्री में देता लोग, कहता लोग सब फिर ये बा। खाली गांव में जो फ्री इलाज बा, डॉक्टर आवता लोग दिल्ली से काठमांडू से चले के, जरा जेकर जौन के बीमारी बा आई चेक कराई एकदम फ्री बा। गरीब जनता तो सुन के आई ना सुन के सिया देवी। कहाँ से हेलवानी? हम हेलवान चैनपुर से। कौन चैनपुर? दो कहले बहू अरी लग से केंग मालूम चला ल जाई। हमर बेटी बा यहां तो बोला ल बोले ले बने मौली से। काची दिक्कत बर हुआ? हमरा दिक्कत बा जे बौसीर लख हो के भकंद निकल जाता आ ये कलंग हमर गनगना ला ना चले के मन करला खाए के ना। डॉक्टर साहब से चेक करेने के ना करौनी है तो बोलू चलम बोलू गोंडक पर चल के बोलू तोहर बोलू इतना पैसा लागी बहुत ही बोल ऑपरेशन कर तो हमर तो बीमा बोलबे तो हमर तो नारायणिये में बोलौले बोलू किया लोग बोलौले बा जे मुखिया जाई बोलू उहे हो जाए तो हमरा के यहाँ ले अइल की। नमस्कार दर्शकबिंद, हम बानी राधे श्याम पटेल, रुआ लोग देख रहा बानी घंटाघर टीवी। अभी बानी सन हमनी के बारा जिला के जीतपुर सिमरा उप महानगर पालिका के सिमरा में, आ सिमरा चौक से ही पश्चिम बगल एक अल्पाइन हॉस्पिटल बा। यहाँ बृहत स्वास्थ्य शिविर हो रहा बा। इस स्वास्थ्य शिविर निःशुल्क कह के प्रचारबाजी भइल बा, लेकिन एमे कुछ पैसा ले रहा जाता आ कुछ में निःशुल्क बा कह के ऐसन का गुनासो आयल, जौना के चलते हमनी के न्यूज कवर करे आयल बानी सन। ये हॉस्पिटल में अपने देख रहा बानी सारा मरीज लोग बैठल बानी, चेक जाँच हो रहा बा, ओपीडी के टिकट कटा रहा बा। आई एक बारे में स्वास्थ्य शिविर कौना हिसाब से अगड़ी बढ़ रहा बा, काथी काथी छूट होता, काथी काथी अपने पैसा ले आता, एक बारे में हमनी के कुछ बिरामी लोग से बातचीत करे जा रहा बानी। लाल परी हो हमर नाम। कहाँ से आयल बानी? मुसैली से। कैसे मालूम चलल जे यहाँ डॉक्टर लोग आयल? हमर हमर बेटी दामाद कहलक लोग। चेक हो गई? हाँ चेक हो गई। कथी के चेक करे? थायराइड के। थायराइड के मतलब फ्री में की पैसा लागल? पैसा लागल है। अपन नाम बताई? हमर नाम देवलाल महतो। घर कहाँ पड़े? रमर गाँव। कथी कथी के पैसा लागत, कथी कथी के नहीं लागत? अब एमे कहता लोग की पुर्जी के पैसा नहीं लागत, चेकअप होता में दवाई जो ना होता ना मैंने ये थी चेकअप में 20% डिस्काउंट और दवाई लेला में 10% डिस्काउंट, ये बात। मीना देवी पासवान। कहाँ घर पड़े? जीतपुर 7 नंबर वार्ड में। कैसे मालूम चला जाए यहाँ अस्पताल में डॉक्टर लोग आ रहा बानी, भारी भारी डॉक्टर लोग आ रहा बानी? यहाँ से गए रहे लोग डॉक्टर साहब वहाँ हम गाँव में जाके जानकारी करे ले। कथी चेक करावे आयल बानी? खूंटा कहियो दर्द करला। अच्छा तो पुर्जी कट गई बाकी बात? पुर्जी कट गई बा। कट गई अब चेक नहीं खबर? नमस्कार आमा। हजुर हजुर नमस्कार। कहाँ बाट आउनु भएको छ? हामी रामबन टेडा रामबन। ए टेडा बाट आउनु भएको? हजुर हजुर। के समस्या लिएर? मलाई यहाँ घुँडाको समस्या। कुन डाक्टर साहबलाई हेराउनु? यहाँ डाक्टर हेराएकै छैन, भर्खरै आएको, पुर्जी काटेर दिएको छ, अब हेराउँछ कि हेराउँदैन के थाहा। फ्री रे भनेको सुनेर आएको, अब फ्री छ कि अब पैसा छ कि के थाहा। अब त्यहाँ डाक्टरसँग गसी पो थाहा हुन्छ त, अब डाक्टरसँग गएकै छैन के थाहा हुन्छ। हमर कीर्ति देवी। कहाँ से आयल बानी? फतेहपुर से, सिमरी फतेहपुर। कैसे मालूम चलल जे डॉक्टर साहब लोग आयल बा यहाँ चेक जाँच हो रहा? हम के निमन लागल तो आयल बा। दवा ववा मिलल कि ना फिर? तो मिलल। दवा मिलल? हमर नाम अजीत कुमार कुशवाहा। कथी बानी रुआ? हम एमआर बानी क्वेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी के। तो ये दवा अपने के सब फ्री में बटाता कि का बा? सब फ्री में बढ़ा था, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर होता ना, तो हमें हमने कंपनी से अपना अपन जौन जौन मेडिसिन बाटे वो कार्डियो डायबिटीज के सब लेके आए बनी सन, आ जौन जौन पुर्जा होता उस हिसाब से हमने फ्री में वितरण करते रहते। हमी संग अल्पाइन हॉस्पिटल सिमरा का संचालक हुनुहुन्छ शिव कुमार शर्मा, नमस्ते। नमस्ते। यो कार्यक्रम निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर तपाईको बृहत रूप में अगाडि बढाउनु भएको छ, के छ यसको उद्देश्य? उद्देश्य भनेको चाहिँ यसमा जस्तो कोरोना काल पछाडि अधिकांश बिरामीहरू चाहिँ घरमै बस्ने बानी लाग्यो अथवा उहाँहरूलाई बिरामी भइकन नै बाहिर ननिस्किने
अनि कोरोना सँगसँगै अहिले पछि चाहिँ आर्थिक मन्दीले पनि अलिकति छोयो त्यसले गर्दाखेरि बिरामी चाहिँ एकदमै धेरै तर चाहिँ मान्छेहरू हस्पिटलसम्म जान सक्ने क्षमता कसैको पनि भएन यहाँसम्म कि ओपिडी पनि तिर्न सक्ने अवस्था चाहिँ कसैको पनि नरहेको कारणले अहिले हाम्रो जो फर्स्ट परीक्षण काल जस्तो रूपमा हामीले चाहिँ मास बेसिक रूपमा चाहिँ अब मानिसहरूको चाहना के छ कसो छ भनेर एकचोटि रिभ्यू गऱ्यौँ र त्यसपछि एकैचोटि यो क्याम्प राखेको हो र यो महिनाभरि नै हामीले विविध किसिमले चाहिँ हप्ताको सानो सानो पाइलट प्रोजेक्ट रूपले चाहिँ क्याम्प राखिराखेका छौँ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ लुकेर बसेका बिरामीहरू कसरी हुन्छ बाहिर लिएर आउनु पऱ्यो र ठाउँमा पुर्याएर चेक जाँच गरेर ठिक हुनु पऱ्यो। कुन कुन डक्टर साहबहरू आउनु भएको छ? हामीसँग सबै डिपार्टमेन्टको डक्टर साहबहरू हुन्छ। मुटु रोग, छाती रोग, बाथ रोग, छाला रोग, ENT को भयो, सर्जन लगायत सबै नै डिपार्टमेन्टको डाक्टरहरू हुनुहुन्छ। 17 हामीसँग स्पेसलिस्ट हुनुहुन्छ आजको यस क्याम्पमा चाहिँ। कहाँ कहाँबाट आउनुहुन्छ? काठमाडौँबाट आउनु भएको छ, दिल्लीमा पढेको दिल्लीबाट नै आउनु भएको छ, बिरगञ्जका पनि हुनुहुन्छ, CMCबाट हुनुहुन्छ, यही एरियाबाट छ। बिरामीहरूको भनाइ के आयो भने कि प्रचार एक भयो, काम चाहिँ अर्को भइरहेको छ, सबै उपचार फ्रीमा गर्छु भनेर हामीलाई बोलाइयो, अहिले यहाँ आएर तपाईँको केही सर्टेज उपचारमा मात्र तपाईँको डिस्काउन्ट छ, अरू बाँकी सबै चर्को शुल्क अस्पतालले लिइरहेको छ, यस्तो गुनासो आयो। ए होइन, जस्तो हामीले सुरुमा प्रचार गर्दाखेरि पनि जस्तो ओपिडी, सुगर चेक जाँच र सर्टेन औषधिहरू चाहिँ हामी फ्रीमा वितरण गर्छौँ र त्यो पम्पलेट हात हातमा पुगेको पम्पलेटहरूमा पनि हस्पिटलले दिने जति पनि सेवाको ल्याब टेस्टहरू लगायतका टेस्टहरू छन् त्यसमा 25% हामी डिस्काउन्ट गर्छौँ भनेका छौँ र यो हस्पिटलमा चाहिँ एक किसिमको नेपालकै सबैभन्दा सस्तो हरेक परीक्षणमा चाहिँ सस्तो रेट हो र त्यसमा पनि हामी 25% कम गरेर दिन्छौँ भने हो। त्यो कुरोमा कसैले पनि झुकाएको छैनौँ। हरेकजनाको चाहिँ हातमा परेको पम्पलेट र हामीले प्रचार गरेको ठाउँमा हरेक शब्दमा हामीले भनेका छौँ। जुनमा चाहिँ हामी 25% दिइरहेका छौँ, औषधिहरूमा 10% दिइरहेका छौँ र औषधिमा पनि कतिपय औषधिहरू जुन हामीले क्याम्पमा बाँड्छौँ त्यो फ्रीमै बाँडिरहेका छौँ। होइन, ल्याब टेस्टहरूमा हामीले कम्पेरिजन गरौँ, CBC देश टेस्टहरूमा भयो, जुन हामीले गर्छौँ नि टेस्टहरू, त्यो टेस्टहरूमा अरू हस्पिटलभन्दा हामी सस्तो छ। अलरेडी हामी 10-15% सस्तो छ। कति आज बिरामीहरू आउनु भएको छ? अहिलेसम्म लगभग 750 जति भयो होला। 750 कति टार्गेट छ तपाईँ? 1000 टार्गेट गरे हो हामीले। साथमै अस्पतालकै डाक्टर साहब बानी डाक्टर प्रकाश शाह। नमस्ते डाक्टर साहब। नमस्ते। सब लोग कहल बानी अस्पताल त लुट ले लगे ना, वैसा तो कोनो बात नहीं के खुराक पैदा कर लिया ना, वैसा तो कोनो बात नहीं कि अगर लुटे के मन से आए रही तो हमने काठमांडू से विशेषज्ञ डॉक्टर साहब जौन कि अपने के ओपीडी के चार्ज ही उन लोग के 850-850 रुपया रहला हाँ कि ना, वैसा डॉक्टर के हमने फ्री में बुला के हरेक आदमी के 1 रुपया भी शुल्क ना लगा के ओपीडी पूरा चार्ज फ्री कैले बानी सन। ऊपर से अपने के जितना भी लैब जाँच बटे बाहर के अपने के तुलना में देखें तो उसे भी सस्ता बा, उमें भी 25% हमने छूट करके ऊपर से दवाई भी देखी फ्री में हमने कती कला वितरण कर दानी सहन का है कि बहुत आदमी के कैसन समस्या होखला कि पैसा ना भैया कारण से दवाई ना खा सकेला लोग, वैसा आदमी कला हमने निःशुल्क औषधि उपचार भी कती कला व्यवस्था कैले बानी सहन। सबसे पहले तो सिमरा में विशेषज्ञ अभी तक कहियो इतना आयल नहीं खेलो, 12 जिला में ही सबसे बड़का कैंप हमने लगभग कती कला ऑर्गेनाइज कैनी है। डॉक्टर साहब आयल बन तक चर्चित डॉक्टर साहब लोग के नाम जैसन कि अपने के बाथ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कृष्ण अधिकारी, मुटु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक ठाकुर, प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बबीता चौधरी, हड्डी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेश कुमार शाह, इंटरनल मेडिसिन अपने के डॉक्टर प्रशांत शाह, मानसिक तथा नशा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन लेखक, छाला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलमणि प्रियादशनी, ओइंगे नाक कान घाटी के डॉक्टर साहब हमने के सलिस्मा रिजाल लगायत के और भी मेडिकल ऑफिसर सब भी आयल बानी हमने के कैंप में सहयोग करे गए। कतानी अपने के कि इतना कम दाम में इतना डॉक्टर लोग केहू भी नहीं के करा सकत लोग, माने कैंप अथवा डॉक्टर के उपचार केहू नहीं के दे सक। अब मानतनी कि हमनी के सरकार के तरफ से भी कोनो हेल्प नहीं मिलल तो फिर भी हमनी तो प्रयास करनी सन कि जनता के जौन बाटे तौन सकबर हमनी प्रयास करनी सन कि सहयोग करी सन। एमे अपने के हम लगभग देखनी है 6-7 से बिरामी लगभग 4 महीना पहले से बिरामी बाटे लोग जौन कि अभिन आके अपन सब चीज खोलताटे लोग कि हमारा फलना समस्या भइल हेंग भइल हम ना देखा सकनी। कितना आदमी तो हमने के आशीर्वाद भी देके जाताटे लोग कि यही शंका कहीं लगिन बहुत बहुत धन्यवाद बा अपने लगिन के कारण हमने के मने बाँचे के अवसर मिलल, मौका मिलल, रोग के निको करे के इतना सस्ता में हमने के कदी कला फैसिलिटी मिलल, ये सब करके मने बहुत आदमी खुश भी बाटे लोग। एमे से लायंस क्लब ऑफ बीरगंज के भी सहयोग रहल बा, यही में बानी लायंस क्लब ऑफ बीरगंज के अध्यक्ष बानी सुनील खेतान सर, स्वागत। नमस्कार, स्वागत बाटे। बहुत निमन लागत है अल्पाइन हॉस्पिटल के ज्वाइंट में लायंस क्लब बीरगंज से होता,
वहाँ से कार्यक्रम के बाद सोच बनैनी है। वहाँ के लोग 15 दिन के भीतर पूरा गांव गांव में जाके, पहले भले के गांव गांव में जाके शिविर चलाओ जाओ करके, गांव में संभव ना रहे, फिर बाद भले के गांव से बरू ले आयल जाओ लो, और बाहर से लोग 17 गो डॉक्टर लोग आयल बटे लोग सब किस्म के, और कम से कम 1000 आदमी अभी तक पहुँच गए बटे, और ई सेवा निरंतर 1 महीना तक चली है मैम बात।